नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है, लेकिन आज मैं जिस देश के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वह देश सुंदरता के मामले में कई देशों को कड़ी टक्कर देता है। लेकिन इस देश की बदनसीबी तो देखें, लोग फिर भी यहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि इसे दुनिया का सबसे अनसेफ देशों में गिना जाता है। फिर भी यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल जो बहुत सस्ता मिलता है। वेल, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस देश में बिजलियाँ भी सबसे ज़्यादा कड़कती हैं और जो इस देश को और भी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनाती है। ये एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले सभी प्रकार के अपराधों से मौत की सजा को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, खूबसूरती तो इस देश के रग रग में बसी है, तभी तो इस देश की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इस देश में अभी तक सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड और सबसे ज़्यादा मिस यूनिवर्स दुनिया को दिए हैं। ये एक ऐसा देश भी है जिसके पतन का मुख्य कारण उस देश की अपनी ही सरकार रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक तो आपको जरूर समझ आ गया होगा कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला के बारे में। दोस्तों, वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता बहुत पहले ही प्राप्त कर ली थी। या फ्रेंड्स, ये देश यूरोपीय देश स्पेन का उपनिवेश रह चुका है, जिससे इस देश ने 5 जुलाई 1811 को अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दोस्तों, इस देश का आधिकारिक नाम है वोल्वेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला और इसकी राजधानी है काराकास, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की ऑफिशियल भाषा है स्पेनिश, ज़्यादातर लोगों द्वारा इसी भाषा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस देश में इंग्लिश, इटालियन और फ्रेंच भाषा भी काफ़ी मात्रा में बोली जाती है। इस देश के पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील, पश्चिम में कोलंबिया देश हैं एवं इसके उत्तर में कैरेबियन द्वीप व उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का 44वां सबसे बड़ा राष्ट्र है और इस देश का कुल क्षेत्रफल 9,16,445 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 32 लोग पाए जाते हैं। इस देश की करेंसी है वेनेजुएला बोलिवर। सो गाइस, इस देश की वर्तमान हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ के एक तिहाई लोग 3 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जबकि एक टाइम ऐसा था इस देश की गिनती शुरुआत में समृद्ध देशों में की जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज इस देश में खाने के भी लाले पड़े हैं। दोस्तों, इस देश का पतन का मुख्य कारण क्या है, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। 1980 के दशक से पूर्व यह एक समृद्ध राष्ट्र होने के साथ साथ लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देशों में सम्मिलित देश था, क्योंकि उस समय वेनेजुएला की GDP, शिक्षा दर, लिविंग कंडीशन आज के भारत से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन यहाँ की गंदी राजनीति की मार आज भी इस देश पर दिखती है। दरअसल इस देश के पास एक बड़ी मिनरल वेल्थ मौजूद थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व इसी देश के पास है, यानी ये एक ऑयल बेस्ड कंट्री थी। लेकिन इस देश को ये अमीरी ज़्यादा टाइम तक रास नहीं आई। 1980 के दशक में इस देश की सरकार ने अपने देश के लोगों के लिए एक फ्री स्कीम तैयार की, जिसमें मुख्य रूप से फ्री होम्स इत्यादि, और वो एक ऐसा दौर था जब लोगों को फ्री की आदत लग गई। इसी बीच ऑयल की कीमतों में भी भारी गिरावट आने लगी, इससे यहाँ की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया और 1995-96 में महंगाई 100% और गरीबी लगभग 66% तक बढ़ गई थी और GDP तो 46% तक नीचे आ गई थी। और तब से लेकर आज तक जो भी सरकार यहाँ प्रशासन में आती है अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में फ्री स्कीम को बंद नहीं कर पाई। फलस्वरूप गरीबी, भुखमरी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों के चलते इस देश में गुंडागर्दी, लूट, हत्या, चोरी जैसे अपराधों को तेज़ी से बढ़ावा मिलने लग गया और इसी वजह से इस देश को दुनिया की सबसे अनसेफ कंट्री में रखा जाता है। आपको बता दें, इस देश में पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, जिससे यह अपने पेट्रोलियम का 80% एक्सपोर्ट कर देता है, तभी तो यहाँ पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा कम हैं, या यूँ कहें
बिल्कुल ना के बराबर हैं। बता दे दोस्तों, इस देश में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर आकाशीय बिजली प्रति घंटे 280 से 3600 बार यानी प्रति वर्ष 300 रातों को घिरती रहती है, जिसे अनंत तूफान नाम से जाना जाता है। यह अपने आप में इस देश का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वेल फ्रेंड्स, जब बात आती है इस देश की सुंदरता के बारे में, तो इस देश के सामने कोई टिक नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, इस देश की लड़कियों ने इंटरनेशनल कंपटीशन में तो तहलका ही मचा रखा है। यहाँ की लड़कियाँ लगभग 6 बार मिस यूनिवर्स व 5 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। गाइज, सन 1863 में वेनेजुएला में सभी प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा खत्म कर दी गई थी, और इस प्रकार यह दुनिया का पहला आधुनिक देश बन गया था जिसने मौत की सजा को बैन कर दिया था। दोस्तों, इस देश में बहुत सारी चीज़ें दूसरों देश के लिए एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील, हर्बल प्रोडक्ट, ऑयल मुख्य हैं, और यहाँ की इकोनॉमी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहती है। आपको बता दें कि इस देश में मैकडोनाल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर यदि आप एक बर्गर भी खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीबन $4 खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री लगती है। सो गाइज, अब आपको ले चलते हैं वेनेजुएला देश में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, जो कि कनेमा नेशनल पार्क में स्थित है। और आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर 979 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर जंगल भी है और जंगली जानवर भी हैं। इस नज़ारे को देखकर आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। दोस्तों, इस देश में एक अजीब नियम ये भी है कि इस देश में स्कूल जाने वाले बच्चों के पास कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि आप सुबह, दिन या रात किसी भी टाइम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ पर स्कूल की 3 शिफ्ट चलती हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि समय। इस देश के कई सारे नियम यूनिक से लगते हैं दोस्तों। अब जैसे इसी को देख लीजिए, इस देश में लड़के 14 वर्ष की उम्र होने पर शादी के लिए बालिग माने जाते हैं, जबकि लड़कियों को 16 वर्ष की उम्र के बाद शादी के लिए बालिग माना जाता है। है ना कुछ हटके नियम। मुझे तो शादी की लीगल एज अपने देश भारत की ही सही लगती है दोस्तों। आपको क्या लगता है बताना जरूर। और हाँ दोस्तों, इस देश में अगर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ भी शॉपिंग करना हो तो उसकी माँ को बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट शॉपिंग ओनर को दिखाना होता है। बिना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए शॉपिंग का ओनर आपको कोई भी सामान नहीं देगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये नियम सही है? क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? बताना ज़रूर दोस्तों। डांस करना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है, या यूँ कहो कि डांस यहाँ के वासियों के खून में बसा हुआ है। इस देश का जो राष्ट्रीय नृत्य है उसका नाम है जोरपा। और हाँ दोस्तों, आप लोग वेनेजुएला में कभी भी किसी भी स्ट्रीट में अगर घूमने जाएं तो यहाँ के लोगों को स्ट्रीट डांसिंग करते हुए आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर डांस क्लब का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार सन 2015 में वेनेजुएला की एक जेल में ही नाइट क्लब खोला गया था। वैसे तो दोस्तों, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस देश में भी बेसबॉल के दीवानों की कमी नहीं है। बेसबॉल यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और यहाँ के लोग इस खेल के मानो दीवाने होते हैं। तो दोस्तों, वेनेजुएला के बारे में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, व साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।